खान बेंच के जज से बदतमीजी का मामला, लाहौर हाई कोर्ट में वकील शेर जमान के खिलाफ केस की समाअत। वकील शेर जमान का लाइसेंस मुअत्तल, हामी वकला ने चीफ जस्टिस ब्लॉक का मरकजी दरवाजा तोड़ दिया, शदीद नारेबाजी। रेंजर तैनात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद। कराची में गुलशन मेमार से 3 लाशें बरामद, हाथ पांव बंधे, सर पर गोलियों के निशानात, जबकि गैर मुल्की एजेंसियों से राब्ते के शुबे में 3 अफराद हिरासत में लिए गए। पेशावर में डेंगू बेकाबू, मुतासरा मरीजों की तादाद 900 से जायद हो गई, कातिल मच्छर अब तक 10 जाने निकल चुका, पंजाब के इंसदादे डेंगू टीम मैदान में। पनामा फैसले पर वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से आज नजरसानी अपील दायर की जाएगी, इसहाक डार के वकील डॉक्टर तारिक हसन अपील दायर करेंगे। पनामा रेफरेंस दायर करने का मामला, नैब को सऊदी अरब से भी रिकॉर्ड मिलने का इम्कान, सऊदी अरब के अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी से मुतालिक जल्द जवाब देने की यकीन दहानी। रावलपिंडी से लाहौर तक बेगुनाही का ढंडोरा पीटा गया, नैब किसी भी वक्त नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकता है, मुल्क दुश्मन अफराद पार्लियामेंट में हैं, ताहिरुल कादरी की लंदन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी, इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत भी आज होगी। N120 जिमनी इलेक्शन, लाहौर हाईकोर्ट में कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। और रुझान कच्चे के इलाके में डाकुओं के हाथ अगवा होने वाले 7 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया, तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन रात भर जारी रहा, पुलिस को पहली बार बगैर किसी नुकसान के कामयाबी मिली।